मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आज आपके जीवन में कोई दुख, कोई समस्या, कोई विपत्ति है, तो आप लोग इन वचनों को जो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, अगर इन वचनों को उस दुख के समय याद रखते हैं और विश्वास के साथ बोलते हैं और अंगीकार करते हैं, तो इस वचन के द्वारा आपके सारे दुख, आपके सारे समस्याएँ, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु अपने वचनों के खिलाफ कभी मुकरते नहीं। वे जो वचन बोल दिए हैं, वे वचन हर एक लोगों के जीवन में पूरा होता है, क्योंकि प्रभु का वचन अटल है। और अगर हम इन वचनों को याद रखते हैं, तो हमें बहुत सहायता होगा हमारे दुख विपत्ति के समय, हमारी समस्याओं के समय। क्योंकि अगर हम इन वचनों को याद रखेंगे और बोलेंगे, तो उस समय हमारे सारे दुख समस्याएँ दूर हो जाएंगी। लेकिन केवल इस वचनों को विश्वास के साथ बोलना कि हाँ, अगर इस वचन को आप बोल रहे हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर विश्वास के साथ बोलेंगे, तभी आपके जीवन में ये वचन कार्य करेगा। अगर ऐसे ही बोलेंगे तो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, अगर जब भी आपके जीवन में कोई दुख समस्या पड़े, तो आप इन वचनों को हमेशा याद रखें और उस टाइम बोले, विश्वास के साथ बोले, प्रभु आपको चंगा करेगा और आपके सारे समस्या दूर होगा और आपके परिवार में, आपके जीवन में शांति बरसेगी। तो आइए हम वचन को बोलते हैं। पहला वचन देखते हैं। पहला वचन है व्यवस्था विवरण अध्याय 31 पद संख्या 6। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है, वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वचन क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, पिता परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कह रहे हैं कि ढारस बने रहो, भयभीत ना हो। जब भी आपके जीवन में, आपके परिवारों में कोई भी समस्याएं आती है, कोई भी मुसीबतें आती है, तो आप ढारस बांधो, भयभीत ना हो जाओ, डरो मत, क्योंकि जो प्रभु ईश्वर है, वे हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं। वे हमारे ऊपर कभी दुख विपत्ति आने नहीं देंगे कि हम विनाश हो जाए, हम एकदम खत्म हो जाए, लेकिन प्रभु हमको क्या करेंगे, संभालेंगे, उस विपत्ति से हमको निकालेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई दुख विपत्ति समस्या आती है, तो आप हिम्मत करें, ढारस बांधें, भयभीत ना हो जाए, प्रभु पे विश्वास करें और इन वचनों को बोले उस टाइम, तो प्रभु ईश्वर आपको इन समस्याओं से निकालेंगे और आपके जीवन में शांति और एक नई खुशी के साथ आपके जीवन में खुशियां आएगी। अगला वचन है यशाया अध्याय 40 पद संख्या 28। वह थको हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वचन क्या कह रहे हैं कि वह थके हुओं को बल देता है। कौन? प्रभु ईश्वर। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो थोड़ा बहुत सामर्थ्य नहीं, बल्कि बहुत सामर्थ्य देता है। अगर आप अपने जीवन से थक गए हैं, अपने परिवारों में कोई भी समस्याओं से थक चुके हैं, बार बार वो समस्या आपके जीवन में आती है, आप थक चुके हैं, उससे परेशान हो चुके हैं, तो आप लोग हिम्मत बनाएं, प्रभु पे विश्वास करें और इस वचन को बोलें कि प्रभु आप थके हुए को बल देते हैं और शक्तिहीन को सामर्थ्य देते हैं। तो प्रभु आपको नई सामर्थ, एक नई ऊर्जा, एक नई बल देगा, जिसे आप उस संकट से, उस विपत्ति से लड़ सकेंगे, उस बीमारी से लड़ सकेंगे, और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगा और प्रभु आपके जीवन से उन सारी समस्याओं को, उन सारी टेंशन को, उन सारी बीमारियों को खत्म कर देगा। तो मेरे दोस्तों, आप लोग इन वचनों को हमेशा याद रखें। अगला वचन है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 पद संख्या 4। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेशों में है। वचन क्या कह रहा है कि प्रभु हमारे सब कलेशों में हमें शांति देता है। अगर हम इन वचनों को याद रखते हैं, अगर बोलते हैं, प्रभु से शांति मांगते हैं, तो प्रभु हमारे हर एक दुख विपत्ति में हमें शांति देता है, ताकि जो शांति प्रभु हमें देता है, हम भी दूसरों को बताएं, उन्हें भी शांति दे और प्रभु यीशु उन्हें भी शांति दे उस वचन के द्वारा। इसलिए मेरे प्यारों, जब भी आप लोग अपने इस वचन को दुख विपत्ति के समय बोलते हैं और आपको शांति मिलती है, तो आप भी इन वचनों को दूसरों को बताएं, ताकि उन्हें भी प्रभु यीशु शांति दे, वे लोग भी इन वचनों को जान सके और इन वचनों से अंगीकार कर सके, प्रभु से बोल सके और प्रभु उन्हें भी शांति दे। अगला वचन है भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 18 और 19। यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। प्रभु क्या कह रहा है कि वह टूटे हुए मन वालों को, जिसका मन टूट गया है, निराश हो चुके हैं, वह हताश हो चुके हैं, प्रभु उनके समीप रहता है, उनके पास रहता है। केवल इस बात को बोलना है और अंगीकार करना है कि प्रभु आप हमारे साथ हैं।
प्रभु जिसका मन टूट जाता है आप उनके साथ रहते हैं और उनका उद्धार करते हैं। प्रभु आप हमारा उद्धार कर। आप इन वचनों को याद रखेंगे तब ही आप इन वचनों को बोल पाएंगे दुख विपत्ति के समय। जब आपका मन टूट जाता है, आप निराश हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, तब इन वचनों को आप लोग बोलें। प्रभु आपका उद्धार करेगा और एक नया जीवन देगा जहाँ खुशी ही खुशी और शांति ही शांति आपको महसूस होगा। 19वां वचन है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है परंतु यहोवा उनको उन सबों से मुक्त करता है। जो लोग यहोवा पे विश्वास करते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, उन पे बहुत सारी मुसीबतें पड़ती हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं प्रभु, वचन क्या कह रहा है कि यहोवा उन सब से उसको निकालता है। प्रभु हमको हर एक दुख विपत्तियों से निकालेगा अगर हम प्रभु पे भरोसा रखेंगे तब। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग इन वचनों को याद रखें और विश्वास के साथ जब दुख विपत्ति आपके ऊपर आती है, हावी होती है, तो आप लोग विश्वास के साथ इन वचनों का अंगीकार करें, बोले, तभी प्रभु आपको इन दुख विपत्तियों से निकालेगा, उन विपत्तियों से निकालेगा, संकटों से निकालेगा और आपको शांति देगा। अगला वचन है भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरे दोस्तों जब भी आप दुख विपत्ति समस्याओं में पड़ते हैं, कोई बीमारी में पड़ते हैं जो कि आपसे कभी नहीं जा रही, बहुत दिनों से आपके ऊपर बीमारी है और आपके ऊपर से नहीं जा रही, कोई भी समस्या आपके ऊपर आती है, कोई कर्जे का हो या कोई भी चीज का समस्या, कोई भी दुख हो, आप लोग यहोवा की ओर दृष्टि करें। प्रभु क्या कहते, वचन क्या कह रहा है कि जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जो प्रभु की ओर ताकते हैं प्रभु उनको कभी निराश नहीं करते, उनको वो सारी चीजें देते हैं जो उनसे मांगते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई दुख समस्याएं आती है तो प्रभु की ओर ताकें, ना कि अपने से उसे ठीक करने की कोशिश करें। प्रभु की ओर ताकें, प्रभु आपको शांति और उस दुख से निकालेगा और आपको शांति देगा। इसलिए मेरे दोस्तों जब भी आपके जीवन में कोई भी मुसीबतें आती हैं तो प्रभु की ओर जरूर ताकें, क्योंकि वही हमें सारे मुसीबतों से, सारे बीमारियों से छुड़ाने वाला यहोवा जीवित परमेश्वर है और उनका यह जीवित वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। लेकिन हम लोगों को केवल विश्वास के साथ बोलना है, विश्वास के साथ अंगीकार करना है, तभी यह वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा, वरना यह वचन व्यर्थ है और कोई हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। इसलिए जब भी हम इन वचन को बोलते हैं और इन वचन को हमेशा याद रखना है और विश्वास के साथ बोलना है, तभी आपके जीवन में ये वचन कार्य करेंगे। तो मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम वचन के साथ आते रहते हैं। सबको जय मसीह।